हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर एवर। मेरा नाम है मीत। आज हम देखने वाले हैं कि आलू पकौड़ा कैसे बनाया जाता है, लेकिन हम इसे फ्राई नहीं करने वाले हैं। हम इसे एक तवे के ऊपर सेकेंगे ताकि हम इसको थोड़ा सा हेल्दी बना पाए। और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि इसका जो टेस्ट है ये बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा नॉर्मल फ्राई किए आलू पकौड़ों का आता है। तो चलिए देखते हैं कि तवा पर आलू पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। जिसके लिए पहले हम एक बाउल में लेंगे 1 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी डालने से जो पकौड़ों का कलर है वो अच्छा आएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है ये आपके ऊपर है। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर यूज कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काले मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। अजवाइन डालना या ना डालना ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन इसका जो फ्लेवर आता है ये काफी बढ़िया आता है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर अजवाइन जरूर डालें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर यानी कि धनिया, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब सारी चीज अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक थिक बैटर यानी कि घोल रेडी कर लेना है। ये जो बैटर है ये बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसको हमें एकदम ही थिक यानी कि एकदम ही गाढ़ा रखना है ताकि जो आलू की स्लाइसेस है वो अच्छे से कोट हो पाए इसमें। अगर आपसे बाय मिस्टेक बहुत ज्यादा पानी इसमें ऐड हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा और बेसन इसमें ऐड कर लीजिए। ये देखिए हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए कितना गाढ़ा बना हुआ है। अब हम सबसे एंड में इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूज करने से ये जो पकौड़े है ये थोड़े से फूल जाएंगे। तो अब मैंने यहां पर आलू को ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया हुआ था जिसको मैं बैटर के साथ अच्छे से कोट कर लूंगा। ये देखिए हमारा जो बैटर था वो काफी थिक था जिसकी वजह से ये जो आलू के स्लाइसेस है उसके ऊपर ही अच्छे से कोट हो पाया। इसी तरह आपको बाकी सभी आलू की स्लाइसेस को भी कोट कर लेना है। जब सभी आलू की स्लाइसेस अच्छे से कोट हो जाए तब हम उसको शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो जिसके लिए पहले हम एक तवे पर 1 से 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर लेते हैं। फिर हमें इस ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ऑयल जब स्प्रेड हो जाए तब हम उसके ऊपर आलू के स्लाइसेस ऐड कर लेते हैं और इन स्लाइसेस को हमें तब तक पकाना है जब तक इसके दोनों साइड ब्राउन नहीं हो जाती। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो से मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए ताकि ये जो पकौड़ा है ये थोड़े से क्रिस्पी बन पाए। अगर आप ऐसे हाई फ्लेम पर शैलो फ्राई करते हो तो जो आलू पकौड़ा है वो बाहर से ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से जो आलू है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इसे स्लो से मीडियम फ्लेम पर ही शैलो फ्राई करें ताकि बाहर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जो अंदर का आलू है वो भी अच्छे से पक जाए। जब एक साइड ब्राउन हो जाए तब हम उसे फ्लिप कर लेते हैं। और इसे फ्लिप करने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच की सहायता ले रहा हूं ताकि इसे फ्लिप करना थोड़ा सा इजी हो जाए। और जब आलू पकौड़ा के दोनों साइड्स अच्छे से ब्राउन हो जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। ये दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और इनका जो टेस्ट है ये बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे फ्राई किए हुए आलू पकौड़ों का आता है। तो बस इसी तरह हम बाकी सभी आलू पकौड़ा को भी शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए आलू पकौड़ा बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए।